नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो पहली बार मैं व्लॉग कर रही हूँ, आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आए। जैसे कि आपने मेरे DIY वीडियोस को पसंद किया है, तो साथ ही साथ मेरे व्लॉग को भी पसंद करिएगा। आज मैं वैसे जा रही हूँ राशन कार्ड ऑफिस, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ऑन वे मज़ा नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल में तो मैं रेडी हो रही हूँ और चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ जब मैं निकलूँगी। तो दिस इज़ माई आउटफिट, दिस टॉप इज़ फ्रॉम टॉमी हिलफिगर एंड दिस बॉटम इज़ फ्रॉम मिंत्रा। कभी मैंने ये बॉटम पहना नहीं, एवर सिंस आई गॉट इट पहली बार पहन रही हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स कलर, बट फाइन अब मैं पहनूंगी। आई एम लाइकिंग द कॉम्बिनेशन बट आई काइंड ऑफ लव इट नाउ। तो चलो अब मैं निकलती हूँ, थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर लेती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट अमंगस्ट ऑल। गेटिंग माई हैंड मॉइस्चराइजर अलॉन्ग विथ मी, और ये है मेरा झोला। सो आई एम ऑल रेडी। ये झोला बहुत अच्छा है, आई बॉट इट फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट से लिया है मैंने। इट वॉज जस्ट फॉर 100 rupees एंड वॉट अ स्टील डील इट इज। सो आई एम लीविंग, विल सी यू ऑन द वे, बाय। राशन कार्ड ऑफिस, इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी विंटेज वाइब्स दे रहा था, एज इफ इसका बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम्स में हुआ हो भी सकता है क्योंकि ये टाउन साइड में है, तो कह सकते हैं ब्रिटिशर्स ने शायद ये बिल्डिंग बनाया हो। जैसे हमारा काम निपट गया, हम निकल गए अपने घर के ओर। हाय, मैं रिटर्न आ चुकी हूँ राशन कार्ड ऑफिस से, शाम के 5 बज रहे हैं वैसे भी, और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और कुछ खा पी कर जाने वाली हूँ अपने भतीजे से मिलने। मेरे जो बड़े भैया है वो 2 बिल्डिंग छोड़कर ही रहते हैं। कल ही मैं अपने भतीजे से मिल के आई थी, बट ऐसा हुआ कि कल रात मतलब कुछ 8 बजे के आसपास हमारे कॉम्प्लेक्स के जितने भी बच्चे थे वो हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पे वो घर घर जाके सबसे चॉकलेट्स ले रहे थे, जो रैंडमली मिल रहे थे उनसे चॉकलेट्स ले रहे थे। और मेरा भतीजा भी गया हुआ था कल गार्डन, तो जितने भी बच्चे थे उन्हें ऐसे देख के, ऐसे हेलोवीन के टायर में, थोड़ा वो डरा भी था बट वो इन्जॉय कर रहा था क्योंकि उनके हाथ में ना चॉकलेट के बॉक्सेस थे, थैली भर के सिर्फ चॉकलेट्स थे। तो उसने किसी रैंडमली किसी बच्चे का थैली ले लिया और वो रो रहा था जब उसे रिटर्न देने पड़ा था। और मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इतनी रात को जा पाऊँ, उसे कुछ ऐसे चॉकलेट्स वगैरह कुछ दे पाऊँ। तो अभी आज तो वैसे आज का पूरा दिन, इतना आधा दिन तो वहाँ जाकर ही निकल गया, तो अभी मैं जाने वाली हूँ, उसके लिए चॉकलेट्स खरीदूंगी और वैसे ही बैग में करके उसे देने वाली हूँ डरा कर, ताकि थोड़ा सा उसे अच्छा भी लगे और उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में,
तो ये बैग कुछ ऐसा था और डेकोरेटिव टेप के हेल्प से मैंने उसे कुछ ऐसा कर दी हूँ। मुझे मेरे भतीजे को इसमें चॉकलेट देना है और मेरा भतीजा सिर्फ 2 साल का है, तो कुछ ऐसा दूँ कि वो देखे तो उसे खुशी हो। आई हैव चेंज इन टू समथिंग कम्फर्टेबल और सो मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ मेरे घर के एक बहुत ही प्यारे सदस्य से, जो है छोटी। एक 4 ईयर सेंट बर्नार्ड है और बहुत ही क्यूटी है, हमारे घर की सबसे चंचल बच्ची है। इसे हम मिनी शहनाज कहते हैं क्योंकि ये बहुत अटेंशन सीकर है। इसे पसंद नहीं है कि इसका प्यार किसी और को दिया जाए, तो ये हमारे घर की शहनाज है। ये छोटी है और छोटी की मम्मा है ऐना। मेरे घर में 2 डॉग्स हैं और दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं हमारे घर के। भले हम रहे ना रहे, मेरे पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें ऐना और छोटी से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा प्यार है। हमसे ज़्यादा प्यार उन्हें ऐना और छोटी से है, तो ये हमेशा दिखते रहेंगे मेरे ब्लॉग में। ऐना और छोटी हमेशा दिखते रहेंगे क्योंकि छोटी अक्सर मेरे रूम में ही रहती है। तो जा रही हूँ मैं अपने भतीजे के लिए चॉकलेट्स खरीदने और फिर अब पहुँच चुकी हूँ उसे डराने के लिए। अब मैं यहाँ पे हेलोवीन का टायर पहन रही हूँ ताकि मैं उसे डरा पाऊँ और देखते हैं ये प्लान सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं, वो डरा था कि नहीं। हाँ तो ये प्लान सक्सेसफुल हो गया था, वो सच में बहुत डर गया था। क्या ये स्माइली है, दिखाओ। और देखो क्या है। सो अब मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। आई होप आप सभी को ये मेरा व्लॉग, जो पहला व्लॉग है, वो पसंद आए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं व्लॉग्स पोस्ट करते रहूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।